सो गाइज विदाउट टाइम वेस्टिंग मतलब आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एंड आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जैसे लिंक के ऊपर टच करोगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। बट यार उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा एंड ब्रो मैं बता दूं आपको, मतलब आपको किसी भी ऑप्शन की नीड नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी ऑप्शन आप बोल सकते हो विदाउट आइडेंटिटी विदाउट ऑप्शन, ठीक है। मतलब आपको अगर आपके पास आईडी प्रूफ पासवर्ड है तो आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, ठीक है। मतलब कोई भी ऑप्शन की नीड नहीं है आपको विदाउट आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। बट यार उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट वॉच करना पड़ेगा, आपको सिंपल लिंक के ऊपर टच करना, देन आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। बट इतनी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। एंड ब्रो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड भाई ब्रो बेल आइकन को भी सेलेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड ब्रो इसके अलावा यदि किसी भाई को आईडी मतलब आपकी आईडी अगर आपको मेरे से ओपन करवानी है तो भाई आपकी आईडी 100% ओपन करके दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन आप कर सकते हो, आपको ज्वाइन बटन नीचे मिल जाएगा, ठीक है। अब भाई जो हमारी जो ट्रिक है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे आपको लिंक के ऊपर टच करना है एंड कैसे आपका अकाउंट है वो ओपन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फर्स्ट लिंक। जैसे आप फर्स्ट लिंक के ऊपर टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, रियल बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड 100% वर्किंग ट्रिक है। आप मेरे पिछले 4-5 लगातार वीडियो जाके देख सकते हो, हर वीडियो में लाइव प्रूफ अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका अगर आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करते हो तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा, ठीक है। विदाउट टाइम मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता एंड आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपको दो लिंक मिलेंगी, फर्स्ट लिंक के ऊपर आप जैसे अटैच करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पूरा नाम जो फेसबुक के अंदर जो फुल नेम है उस नाम को आपको यहाँ पे लिखना है एंड ईमेल एड्रेस जो आपका फेसबुक अकाउंट के अंदर जो जीमेल आईडी है उस जीमेल आईडी को आपको यहाँ पे दे देना है एंड यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्मतिथि। तो यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे दर्ज कर देनी है, लिख देनी है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आप बोलोगे यहाँ यहाँ पे आप आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। भाई आईडी प्रूफ देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी लाइब्रेरी में चले जाना है एंड लाइब्रेरी में जाने के बाद वहाँ से आप बोलोगे कि मेरा लाइब्रेरी कार्ड बनवा दो, कैसे भी करके लाइब्रेरी कार्ड बनवा लो, ठीक है। लाइब्रेरी कार्ड यहाँ से आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा क्योंकि लाइब्रेरी कार्ड ही एक ऐसा है जो मतलब आपका बन सकता है, ठीक है। तो लाइब्रेरी कार्ड में आप जब बनवाओ तो उसके अंदर जो फेसबुक के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पर दर्ज कर देनी है एंड ब्रो इसके अलावा जो आपका फेसबुक अकाउंट के नाम अंदर फुल नेम है वही नाम आपको लाइब्रेरी के अंदर करवा देनी है। अगर भाई मैं यहाँ पर रियल एंड एक्चुअल बता रहा हूँ, अगर आपके पास फेसबुक वाली डेट ऑफ बर्थ है ना तो आपका स्ट्रिक से आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। एक बात याद रखना, बाद में मत बोलना भाई अगर आपकी फेसबुक अकाउंट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ वो अगर आपको पता नहीं है तो आपका मतलब जो फेसबुक अकाउंट वो ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस ट्रिक से। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिख देना कि मेरा फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है एंड मेरे पास कोई आइडेंटी प्रूफ नहीं है। फिर आप लिख सकते हो कि मेरे पास आइडेंटी प्रूफ है, जो अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो मतलब जो आप चाहो वो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से उसको कॉपी करके आपको सिंपल पेस्ट कर देना है। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे नीचे सेंड का ऑप्शन मिल रहा है, सेंड का जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सेंड कर देना है। जैसे सेंड कर दोगे, यदि आपका सेंड नहीं होता, बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई सेंड नहीं होता, अगर आपका सेंड नहीं होता तो भाई आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप देखते हो होम पेज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे होम पेज का बटन दिख रहा है, सिंपल से आपको यहाँ से अगर सेंड नहीं होता है तो आपको होम पेज का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको टच कर देना है। जैसे आप टच कर दोगे तो आपका जो मतलब ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। अगर सेंड नहीं होता है ना तो आपको करना, एक बार क्लिक करना सेंड नहीं होता है तो सब कुछ भरना, उसके बाद आपको सिंपल ये काम कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड लिंक मिलेगी, जैसे सेकंड लिंक के ऊपर आप टच करोगे, इतना काम करने के बाद सेकंड लिंक जो मिलेगी उसके ऊपर आप जैसे टच करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। लिंक के ऊपर टच करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको जाना है। नीचे जाने के बाद आपको सिंपल एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है माय फेसबुक अकाउंट इज लॉक्ड एंड आई एम नॉट गेटिंग फोन और ईमेल कोड व्हेन ट्राइंग टू कन्फर्म माई अकाउंट, ठीक है। इसके ऊपर सिंपल आपको टच कर देना है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर टच करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यस और नो का दो ऑप्शन है, सिंपल से नो का जो ऑप्शन है उसके ऊपर टच करना है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फिर द सॉल्यूशन डज नॉट वर्क, इसके ऊपर आपको टच कर देना है। जैसे टच करो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जो आपने लिखा था सेम उसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। बट यहाँ पे जब आप पेस्ट करो तो उसके नीचे आपको मतलब जो आपका फुल नेम ईमेल आईडी आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, एंड डेट ऑफ बर्थ लॉक डेट, ठीक है, इस ये सब कुछ आपको लिखना है उसके बाद, ठीक है। मतलब वहाँ से इसको कॉपी करना है, वहाँ पे जो लिखा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको कॉपी कर लेना है, उसके नीचे आपको ये सब कुछ लिखना है एंड उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे आपका आसानी से सबमिट हो जाएगा। जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे आपको थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स का ऑप्शन जैसे ही मिल जाएगा भाई रियल बता रहा हूँ, एक्चुअल वीडियो कंप्लीट वॉच करो। अब रियल बता रहा हूँ मैं आपको, आपका अकाउंट कितने मतलब कितने देर बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको अपने अकाउंट को सभी जगह से लॉग आउट कर देना ये काम करने के बाद एंड आईडी पासवर्ड मतलब पासवर्ड आपको चेंज नहीं करना एंड आपको अपना आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं देना, ठीक है। उसके बाद रियल बता रहा हूँ 24 मतलब 24 घंटे से 48 घंटे से ज़्यादा मतलब 48 या तो 24 घंटे में अकाउंट ओपन होगा या 48 घंटे में अकाउंट ओपन होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यदि आपको आपका अकाउंट ओपन होगा तो इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपकी जो जीमेल आईडी आप दे रहे हो उस पर आपको चेक करते रहना, वहाँ पर आपको एक्सेस लिंक मिलेगी। सिंपल उस लिंक को आपको कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करने के बाद क्रोम ब्राउज़र में जाकर पेस्ट कर देना, सिंपल अकाउंट को लॉगिन करना, फिर उस
लिंक को पेस्ट कर देना, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एंड ब्रो, यदि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे शायद जिनका मतलब अकाउंट ओपन नहीं हो पाया क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही एक्चुअल रियल नहीं होगी, बट ये जो ट्रिक बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ, 100% वर्किंग ट्रिक है, आपका अकाउंट 100% ओपन होगा। अगर मैंने जैसी वीडियो बताया वैसे अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा, ठीक है। और भाई कोई प्रॉब्लम होता है इंस्टाग्राम पर डीएम करना, आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और हाँ, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड 100% वर्किंग ट्रिक के अंदर, बट यार उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना, और कोई प्रॉब्लम होता है इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, ठीक है।